एवरीवन वेलकम टू माय चैनल तो आज के टेरर रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर फ्यूचर स्पाउस फील्स वर्सेस दे एक्ट इन योर लव स्टोरी तो आपकी जो लव स्टोरी रहेगी आपकी लाइफ स्टोरी जो रहेगी उसमें फ्यूचर स्पाउस कैसे फील करेंगे और वो कैसे एक्ट करेंगे आपके अराउंड या किस तरीके की उनकी फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं

टॉरस मैंने बोल दिया था टॉरस एनर्जी है तो सेंशुअलिटी भी है यहाँ पे और यहाँ पे एनर्जी है और कैंसर एनर्जी भी है यहाँ पे और वर्गो एनर्जी भी है यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके फ्यूचर जो है वो काफ़ी हद तक एक रोमांटिक केयरिंग लेकिन ऊपर से जो है इमोशंस को ना दिखाने वाले हैं ठीक है तो उनके एक्शन में और उनके जो फील करने में थोड़ा डिफरेंस होगा कि वो फीलिंग्स जो है वो उनकी बहुत ज्यादा डीपर होगी जो वो कहते नहीं होंगे जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज्यादा खुलकर नहीं है कुछ लोग जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्युनिकेटिव होते हैं या एक्सप्रेसिव होते हैं लेकिन ये पर्सन जो है वो एक्शंस में तो उनके दिखेगा कि वो आपकी केयर करते हैं आपके लिए जो है वो महत्व रखते हैं आप उनके लिए बहुत ज्यादा सब कुछ हो आप उनका ठीक है आपकी जो जिंदगी में जो भी हो रहा है या आप उनके वर्ल्ड हो लेकिन वो वर्बली जैसे होता है कि प्यारी बातें करना या स्वीट टॉक करना वो चीज़ जो है वो इस पर्सन को नहीं आती होगी वो इस वजह से है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत छोटे समय से निभानी स्टार्ट कर दी होगी तो जो भी यंग एज में जैसे होता है कि जो भी बच्चा जैसे मान लो कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे जो है वो मेच्योर है ये बच्चा बहुत ज्यादा मेच्योर है तो वो अपनी चॉइस से नहीं है उसके जो है वो यो है, वो परिस्थितियां हैं हैं उसको ऐसा बनाती कि उसे मेच्योर होना पड़ता है तो वही चीज है यहाँ पे कि तो प्रैक्टिकलनेस जो है वो बहुत ज्यादा है यहाँ पे फीलिंग्स उनकी मैं पहले बता देती हूँ कि वो ड्रीमी पर्सन होंगे आपके लिए मैंने पहले कहा टॉरस एनर्जी है तो सेंशुअलिटी रहेगी हैंग वुमेन आया है तो प्रस्पेक्टिव जो है जो लोगों का प्रस्पेक्टिव है बाहर से उनको देखने का हो सकता है बाहर से लोग जो उन्हें थोड़ा खड़ूस समझते हो आपको भी शुरुआत में ऐसा लगे कि ये कैसा इंसान है लेकिन अंदर से वो बहुत ज्यादा डीपली आपके लिए फील करते हैं और इस तरीके का जो उनका एक एक्सपोजर कह सकते हैं इमोशंस का वो सिर्फ आपको और सिर्फ आपको या कह सकते हैं पार्टनर को ही मिलेगा इस तरीके की एनर्जी है या फिर ये अपने मदर या सिस्टर से बहुत ज्यादा अटैच होंगे अदरवाइज ये किसी और से अटैच नहीं होंगे ना ही होना चाहते हैं तो इस तरीके की एनर्जी है हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन है क्राउन चक्रा दो दफे आया है यहाँ पे बहुत ज्यादा दिमाग जो है वो तेज है और ऐसा तेज है कि जैसे फील कर लेते हैं सामने वाले के दिमाग को या ये कह सकते हैं कि उसकी इंटेंशन को कि उसकी इंटेंशन प्योर है या नहीं है और जो भी अगर कोई भी इनके पास सेल्फिश इंटरेस्ट से आता है या आती है तो उसको जो है वो हटा देना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू उसमें उलझना तो ऐसे नहीं है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन होंगे बॉसीनेस होगी जैसे मैंने कहा कुछ लोग इन्हें बाहर से अगर एक्सटीरियर की तरीके से देखा जाए तो थोड़ा खड़ूस भी मानेंगे लेकिन ये पर्सन डीपली आपके लिए फील करेंगे एक ऐसी एनर्जी है कि वो मतलब कुछ नहीं भी बोल रहे हैं तो भी जो है आंखों से बात कह देना या हल्की सी मुस्कुराहट कर देना या आप जो है कोई काम कर रहे हो मान लो कोई आ, कोई भी काम कर रहे हो और आपसे हो नहीं रहा और आप थोड़े फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो वो जो है ये नहीं कहेंगे कि अच्छा लाओ मैं कर देता हूँ वो सीधे जाके आपका काम कर देंगे और आप जो है बस देखते रह जाओ कि मैंने कुछ कहा भी नहीं था और ये काम भी हो गया तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है तो ये बड़े गिविंग पर्सन होंगे लॉयल्टी रखेंगे फेथफुलनेस है तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी होगी आपके आने से इनकी लाइफ में थोड़ा जो एक्सप्रेशन है जो क्लोज्ड ऑफ है वो खुलेगा तो धीरे धीरे जो है वो आपको प्रपोजल देना या अकेले में ही बात करना पसंद करेंगे ये प्राइवेट पर्सन बहुत ज्यादा है तो अकेले में ही जो चीज़ बोलना है चाहे वो सेंशुअलिटी वाली बात हो चाहे वो एक लबी डबी वाली बात हो तो वो बहुत ज्यादा सीरियस वे में कहने वाले हैं तो अगर ये पर्सन आपको कभी आई लव यू बोले पूरी जिंदगी में तो उसको मीन करके बोलेंगे ये नहीं कि सौ बारी आई लव यू बोला और अगले दिन जो है लड़ाई झगड़ा हो रहा है और गाली गलोच हो रही है ये ऐसा इंसान नहीं है ये ऐसे ही इंसान है कि एक बार अगर जिंदगी में बोल दिया तो मतलब बोल दिया तो वो चीज़ है फिर उसको बार बार बोलना या फिर ये कहना कि प्रूफ करना वो चीज़ जरूरी नहीं है ये पर्सन इसी तरीके के होंगे इनका थ्रोट चक्रा भी जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्युनिकेटिव होगा सिर्फ आपके लिए तो लोगों से बातचीत कम करना पसंद करते होंगे लेकिन आपसे बातचीत वो हर तरीके की करना पसंद करेंगे आपको टिकलिश फील करवाना इस तरीके की भी एनर्जी रहेगी तो इनकी फीलिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा डीपर है और उनके बहुत सारे जो है ड्रीम्स है या सेंचुअलिटी से रिलेटेड फैंटेसीज है जो आपके साथ वो पूरे करना चाहेंगे और आप भी उनके साथ करना चाहोगे यहाँ पे एक एनर्जी ही ऐसी है ये पर्सन ऊपर से कुछ और आ, दिखते हैं लेकिन अंदर से कुछ और है तो इस तरीके की चीज है जो कहा जा सकता है कि जैसे मान लो लीडरशिप कोई क्वालिटी है या लीडरशिप वाली पोस्ट पे हो कोई इंसान तो उससे कोई ये उम्मीद नहीं करेगा कि वो जो है आ, इनोसेंस या फन लविंग वे में जो है वो घर में बहुत बच्चे वाली एनर्जी में हो अगर कोई देख भी लेगा तो वो ये सोचेगा कि ये यहाँ पे तो लीडरशिप वाली हिसाब है या इतना ज्यादा मेच्योरिटी वाली बात करता है या करती है जो भी उनका जेंडर हो और घर में जो है वो बिल्कुल ही अलग रूप है तो दो अलग रूप कॉन्ट्रास्टिंग जो है वो आपको दिख जाएंगे बाहर किस तरीके से बिहेव करते हैं और आपके साथ कैसे बिहेव करते हैं ये उनकी फीलिंग्स रहेंगी आपके लिए और हाईली ट्रेडिशनल पर्सन होंगे हायरोफेंट की एनर्जी आई है आपको प्रोटेक्ट करना आपको प्रोवाइड करना आपके बारे में सोचना आपके साथ रहना बच्चों के साथ रहना या पेरेंट्स है तो पेरेंट्स के साथ रहना वो चीज बहुत ज्यादा इनको इम्पोर्टेंस या कोजीनेस जो है जो होम इन्वायरमेंट है वो इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होगा तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है तो जो भी आपका परसपेक्टिव जो फर्स्ट इंप्रेशन में हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत ज्यादा सीरियस पर्सन होंगे ऐसा नहीं है उसका उल्टा होगा लेकिन वो सिलेक्टिव लोगों के लिए है तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है नेक्स्ट है कि यहाँ पे एक्ट कैसे करेंगे एक्शन कैसे लेंगे तो पहला है कि किंग ऑफ एंटिकल प्रोवाइडर रहेंगे प्रोटेक्शन रहेंगे अबेंडेंस के हिसाब से पैसे के हिसाब से अः uh, फिजिकली आपको प्रोटेक्ट करना इस तरीके की एनर्जी है तो आपकी जिंदगी में रंग भरना या जो भी वो कर सकते हैं वो जो है आपको के साथ करेंगे आपके लिए आपकी फैमिली के लिए इस तरीके से तो आपकी फैमिली भी जो इन लॉज भी होंगे वो भी इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखेंगे तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं तो इस रीज़न की वजह से वो बहुत ज्यादा आप में इम्पोर्टेंस रखेंगे नेक्स्ट है कि ये भी चीज रहेगी कि ये बुक्स पढ़ने का ज़्यादा शौक होगा या अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ने का शौक होगा ये कोई सिलेबस वाली बुक्स नहीं है ये जैसे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो गई बाकी चीज़ें रिलेटेड हो गई तो उससे जो है वो नॉलेज गेन करना और शेयर करना आपके साथ भी बच्चों के साथ भी तो बच्चों को भी वैल्यूज देना ये सारी एक्शंस जो है वो उनकी लाइफ में रहेंगे नेक्स्ट आ रहा है स्परिचुअल विज्म में तो स्पिरिचुअली ये पर्सन होंगे तो बच्चों में भी वो स्पिरिचुअलिटी आएगी ही आएगी और आपको भी वो काफ़ी हद तक स्पिरिचुअलिटी में ही देखते होंगे क्योंकि आप दोनों का जो मैच है वो एक स्पिरिचुअल तरीके से या कह सकते हैं पास लाइफ कनेक्शन हो सकता है हालांकि सबसे नहीं करेगा लेकिन पे मुझे फीलिंग है है कि ये जो है आपके पास लाइफ से ही आपकी लाइफ में आएंगे क्योंकि यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिस तरीके से वो उनका जो कह सकते हैं डर है या डर भी नहीं कहा जाए कि दुनिया के सामने कुछ और, और अपनी जिंदगी में कुछ और तो आपके आसपास कंफर्टेबल महसूस करना जो है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के हिसाब से ही होगा नेक्स्ट आ रहा है न्यू विजन तो आप अपनी लाइफ में एक न्यू परस्पेक्टिव जो है न्यू बिगनिंग या न्यू परस्पेक्टिव जो है वो फील करोगे और आपको खुद खुशी होगी कि मुझे ये इंसान मिला है तो आपको वो इस तरीके से फील करवाएंगे कि आप उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो या कितनी कितने, कितने ज़्यादा आप स्पेशल हो बहुत भारी भरकम या फ्लैटरिंग बातें नहीं होंगी लेकिन स्पेशल फील करवाना है तो उसमें कोई कमी नहीं होगी चाहे वो और ज़्यादातर वो एक्शंस में होगा जैसे मान लो Uh, कोई भी एक्स वाई जेड ओकेजन है तो आपको होटल में लेकर जाना या रेस्टोरेंट में लेकर जाना और पूरी फैमिली को जो है वो अच्छे तरीके से वाइन एंड डाइन करना लेकिन आपके साथ जो है वो अलग तरीके से जाना या अपने जो है जो भी उनके डिज़ायर्स हो वो सारी चीज़ें पूरी करना तो आपको एक सेकेंड हनीमून वाली जो है वो सिचुएशन भी देना चाहेंगे चाहे जब भी उनका मन करे तो उस तरीके की चीज है या आपका मन करे तो आपको कभी भी ये चीज़ नहीं वो फील करवाने वाले हैं कि uh, आपके जो डिज़ायर्स हैं या आप नहीं बोल सकते या कोई जजमेंट है किसी भी तरीके का नहीं है अगर ऐसा कुछ है भी तो वो अपना प्लान बनाएंगे आपके साथ और दो दिन के लिए बाहर घूमाएंगे तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और किसी और को ये बताएंगे भी नहीं कि क्यों जा रहे हैं बस करना है मतलब जाना है तो जाना है तो ऐसी एनर्जी है नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है एडवेंचर न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहना रिस्क लेना बंजी जंपिंग करना बाकी सारी चीज़ें करना आपको सपोर्ट देना हर तरीके से जो आपको पसंद है उसमें आपको सपोर्ट देंगे ही देंगे चाहे वो अलग अलग चीज़ें हो क्योंकि आप दोनों का जो पर्सनालिटी है वो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट वाली सिचुएशन होगी लेकिन जो भी आप दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं जो कोर वैल्यूज़ हैं वो सेम होंगी और उस वजह से भी आप दोनों में अट्रैक्शन हमेशा बना रहेगा नेक्स्ट आ रहा है, है यहाँ पे जो है नाइट ऑफ कप्स आया है नाइट ऑफ कप्स जो है है वो यही चीज पे दो दफे नाइट ऑफ कप्स आया आया है और दो दफे जो किंग ऑफ एंटिकल्स भी आया। तो ये पर्सन मैंने कहा था आपको कि शुरुआत में हो सकता है थोड़े से क्लोज ऑफ दिखे आपको लेकिन धीरे धीरे जो है जैसे जैसे खुलने लग जाएंगे वैसे वैसे आपको ये समझ आ जाएगी कि डीपली आपके लिए फील करते हैं और आप उनके लिए वर्ल्ड हो तो वो सारी चीजें जो है वो समझेंगे और आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव और थोड़े से पजेसिव भी रहेंगे क्योंकि आपकी वो प्रोटेक्शन करना चाहते हैं चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो अगर आप मेल uh, है फीमेल के लिए भी देख रहे हैं तो भी वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगी तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स यहाँ पे दोनों में कपल आया है शांति रहेगी इस रिलेशनशिप uh, में जो है कल्हा नहीं होगी यूजअली जो है कोई लड़ाई नहीं होगी और अगर हो भी जाती है तो बाहर वालों की वजह से अगर होती भी है तो उसको भी आप रिजोल्व कर लोगे यूजली यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा वो इस वजह से नहीं होगा क्योंकि आप दोनों ही मेच्योर हो गए और आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो आप दोनों तक है सीमित बाकी सारे लोग जो है वो उस रिलेशनशिप से दूर है मतलब ये कि आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो जितनी भी प्राइवेट चीजें हैं वो सब जो है वो आप बाहर रिवील करने वालों में से नहीं हो तो जो भी आप दोनों का रिलेशनशिप है वो आप दोनों के बीच में है बाहर लोगों के लिए नहीं है आप बाहर के लिए एक यूनिट ही हो तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं सोलमेट योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली और यहाँ पे ट्विन फ्लेम भी आया तो योर पैशन तो बहुत ज्यादा यहाँ पे एक सेंशुअल uh, अट्रैक्शन भी रहेगा और आप दोनों को जो भी इच्छाएं हैं चाहे वो डिजायर्स हो चाहे वो मनी हो चाहे वो कैरियर हो चाहे वो एक दूसरे के साथ बाहर घूमना हो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर पूरी हो रही है चलिए देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए ट्रू लव लव इज वंस इन लाइफ टाइम तो आपके ये ट्रू लव होंगे नेक्स्ट आ रहा है फेथ विल गिव यू मोर ऑफ अ पर्पस फॉर योर लाइफ नेक्स्ट आ रहा है आई लिसन टू आर सॉन्ग व्हेन यू आर नॉट हियर अनकाउंटेबल केसेज ऑन द लिप्स तो उनकी शक्ल देख के या जो है कह सकते हैं उनके स्वभाव को देख के उनके पेरेंट्स भी नहीं ये सोच सकते कि आपको वो इतने केसेस देने वाले हैं लेकिन वो आपको देंगे और ये सिर्फ आपको पता होगा बड़ी क्यूट पर्सनैलिटी है नेक्स्ट आ रहा है ट्रू लव स्टोरीज नेवर हैव एंडिंग्स फॉर्मिंग तो जो चीज चाहते हैं वो क्रिएट करना पसंद करते हैं नेक्स्ट आ रहा है सेक्रीफाइस ऑल फॉर लव तो लव जो है वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए करना चाहते हैं और नेक्स्ट है आपके लिए आई हैव फाउंड द वन दैट माई सोल लव तो यहाँ पे जो है वो आपको एक आ, सबस्टांस या कह सकते हैं रिलेशनशिप में जो महत्वपूर्ण या मीनिंगफुल जो है आपका रिलेशनशिप रहेगा और जो आप महसूस कर पाओगे और आपकी सोल जो है वो उनको लव करेगी उनकी सोल जो है वो आपको लव करेगी तो यहाँ पे अच्छा एक रोमांटिक जो जेस्टर भी रहेगा और एक प्रैक्टिकल सेंस में भी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ रहेगी रीडिंग उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा कंटेंट रीडिंग और अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू नंबर टू अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं फील करेंगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स नेक्स्ट आ रहा है द स्टार ओके कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं नेक्स्ट आ रहा थ्री ऑफ कप्स एग्जिस्टेंस मैजिशियन का कार्ड आया नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्स कॉन्शियसनेस नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स फ्रेंडलीनेस और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फ्लावरिंग तो पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो दो दफे आया है पे पहले जोडे साइन बता देती हूँ यहाँ पे न, एरीज है यहाँ पे कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी है टॉरस एनर्जी है इक्वेरियस एनर्जी है कैंसर एनर्जी है जेमेना एनर्जी है ठीक है यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका इस पर्सन से मिलने से पहले कोई ब्रेकअप या कोई सिचुएशनशिप जिसमें आप हर्ट हुए होगे जरूरी नहीं है ब्रेकअप ही हो रिलेशनशिप ही हो कोई सिचुएशनशिप भी हो सकती है या किसी दोस्त ने भी आपको हर्ट किया हो जिससे आप जो उम्मीद ना करते वो हो वो डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट होगी और उसके बाद जो है आप अपनी डेस्टिनी के हिसाब से इस पर्सन से मिलेंगे और ये पर्सन आपको हील करेंगे तो ये जो है एक आउटर मैसेज था लेकिन वो मैंने आपको बता दिया अब आते हैं कि आपके फ्यूचर पर कैसे फ़ील करेंगे चाहे वो मेल हो चाहे वो फ़ीमेल हो पहली चीज़ बहुत ज़्यादा एम्बिशस पर्सन होंगे उन्हें ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा और वो फ़ील ऐसा करेंगे कि आपको पूरी दुनिया घुमानी है अब घुमानी जो है वो दो सेंस में है एक तो वर्चुअली जो है वो जिंदगी में घुमाना चाहते हैं कि जैसे मान लो जैसे किसी भी स्टेट में क्योंकि मुश्किल होता है कि पूरी दुनिया आप उस तरीके से घूम पाओ लेकिन आपको जो है वो इंटरनेट के थ्रू या फिर जो है पर्टिकुलर जगह जो है जैसे हो सकता है उनका ये मोटिव रहे कि वो जो है हर कॉन्टिनेंट में आपको एक देश ज़रूर घुमा दें तो इस तरीके की एनर्जी हो सकती है दूसरी चीज ये है कि ये जो है आपको फॉरेन लैंड में भी सेटल करवाना चाहते हैं इस तरीके की एनर्जी है चाहे वो उनका एम्बिशस गोल है बिजनेस प्रिपेयर करना जैसे मान लो आप जेड देश में रहते हो तो उससे जो है दूर जाके जो है अपना घर बसाना और वहाँ पे जो है बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना या जॉब करना जो भी कैरियर हो या पैसे कमाने का ज़रिया हो लेकिन वहाँ पे जो है रहना और वहीं पर जो है सेटल हो जाना तो इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी रहेगी फीलिंग उनकी ये है कि वो जो है जिस भी होम लैंड में है उससे दूर जाके बसने की इच्छा रखते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ पे ऑपरचुनिटीज ज़्यादा है तो ये एम्बिशस पर्सन होंगे और हमेशा जो है वो इस तरीके से सोचते होंगे कि आपके लिए या अपने लिए वो एक अच्छी चीज़ या अच्छा डिसीजन ले रहे हैं नेक्स्ट है यहाँ पे एथ ऑफ कप्स है ऑफ कप्स है यहाँ पे जो है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी मुझे ऐसा लग रहा है या फिर जो आपके चाइल्ड हुड फ्रेंड हो सकते हैं या फिर जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपके जो है दोस्त हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लगाव बहुत ज़्यादा है यहाँ पे वो आपकी केयर करते हैं आपको मतलब ऐसे देखना चाहते हैं कि आपने खाना खाया ठीक से खाया नहीं खाया आपकी हेल्थ ठीक है आप खुश हो ये ज़्यादा उनको इम्पोर्टेंस रखता है इस पर्सन के लिए तो इस तरीके से है ये हीलर हो सकते हैं या काउंसलर भी हो सकते हैं इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं या आदतें हैं या जो मुस्कुराहट है वो उन्हें पसंद है तो उस तरीके से भी वो सोचते हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा क्या नहीं सही रहेगा और उस चीज को फील भी करते हैं और करवाना भी चाहते हैं तो इस तरीके की फीलिंग रहेगी कि आपको ये हमेशा लगे कि ये पर्सन जो है दुनिया में कोई आपकी केयर करे या ना करे लेकिन ये पर्सन जो है आपकी केयर करता है या करती है जो भी उनका जेंडर हो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है द स्टार है तो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी जो है वो आपको देना जो आप डिजर्व करते हो वो चीज़ आपको देनी आप अपनी जिंदगी में लाइफ लेसन जितने भी आपने सीखे होंगे उससे जो है उसको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ क्रिएट करना या ये कह सकते हैं कि अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते जाना ये चीज़ है यहाँ पर और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे ये लग रही है कि जैसे कहा जाता है एक मुहावरा है कि घर की चाबी जो है वो आपके हाथ में है तो सब कुछ जो है चाहे फाइनेंशियल तरीके से हो चाहे बाकी चीज़ें हो वो आपके हाथ में ही रहेंगी क्योंकि आप उनकी वाइफ होंगी या आप उनके हस्बैंड होंगे इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें और ट्रस्ट जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है उनके लिए भी और आप लोगों के लिए भी यहाँ पे लव जो है या रोमांस जो है वो बहुत ज़्यादा कूट कूट के भरा हुआ है ये पर्सन होपलेस रोमांटिक होंगे तो हो सकता है रोमांटिक नावल्स पढ़ना या जो फिल्म में या बाकी चीजें होती है तो उस तरीके से भी आपको थोड़ा सा प्लीज करने की इच्छा रखना एक खुशी देने की इच्छा है एक हीलिंग एनर्जी है मैंने पहले भी कहा कि आप जो है हील हो गए इस पर्सन के पास तो आपको वो अच्छे तरीके से एक हार्ट चक्रा तो आपको ओपन करना ही है लेकिन आपकी जो एक्चुअल वर्थ है वो इन्हें पता होगी तो वो जो है आपके सामने ब्लश भी करेंगे चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो तो आपके अराउंड ही वो ब्लश करना पसंद करेंगे इस तरीके की एनर्जी है तो बहुत शाई पर्सन होंगे फीलिंग्स में और फीलिंग्स जो है वो इस तरीके की रहेंगी कि आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं या कोई कमी मतलब या शिकायत भी नहीं होगी तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है नेक्स्ट आ रहा है उनके एक्शन क्या होंगे आपके साथ तो पहला आ रहा है थ्री ऑफ कप्स है थ्री ऑफ कप्स जो है हमेशा सेलिब्रेशन को या फ्रेंडलीनेस को दिखाता है यहाँ पे फ्रेंडलीनेस भी आया है तो यहाँ पे यही चीज है आप एक सोलमेट के तरीके से हो एक दूसरे के लिए चाहे आप में कितने भी डिफरेंसेस हो उसके बावजूद जो है ये आपकी केयर भी करेंगे और एक फ्रेंड लाइक एनर्जी है तो एक फ्रेंड -like लाइक में क्या होता है कि कंफर्टेबलनेस होती है कोई टिपिकल हस्बैंड एंड वाइफ वाली सिचुएशन नहीं होती कि काम से काम बात करी और आगे चले नहीं यहाँ पे डीपली इमोशंस जो है इन्वॉल्व है और आपकी खुशी आपका गम जो है वो उनको इफेक्ट करेगा तो आपकी केयर वो बहुत ज्यादा करेंगे नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एग्जिस्टेंस आया है मेजिशियन का कार्ड आया है जो भी चाहते हैं वो अपने लिए भी चाहते हैं और आपके लिए भी इक्वली चाहते हैं तो आराम चाहते हैं या पैसा चाहते हैं या जो भी दे सकते हैं आपको वो वो देना की इच्छा रखेंगे और यूनिवर्स से जो है वो प्रेयर भी करेंगे कि आप सही रहे आप दोनों सही रहे और मैनिफेस्ट करना चाहते हैं सब कुछ तो इस तरीके की एनर्जी है ये फैमिली बनाने की भी सोचेंगे तो उनको फैमिली या बेबीज जो है वो बहुत ज्यादा पसंद हो सकते हैं तो एक या दो बेबीज जो है वो करने की इच्छा रखेंगे इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी और वो जल्दी ही होगा नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कॉन्शियसनेस को दिखाता है एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और कह सकते हैं ऑफ कप्स के ठीक नीचे ट्रांसपेरेंसी या कह सकते हैं मेंटल क्लैरिटी वाली सिचुएशन है एक स्पिरिचुअल विजडम भी है कि यहाँ पे कोई भी मैनिपुलेशन नहीं है माइंड गेम नहीं है झूठ सच नहीं है ये नहीं कर रहे कि ससुराल है मायका है अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं नहीं यहाँ पे बस एक टीम वर्क है कि हमें लाइफ को ऐसे क्रिएट करना है और आगे बढ़ते जाना है। बस इतना ही चाहते हैं और आगे जो है एक दूसरे के साथ क्रिएट करके उसकी खुशी को आगे और बढ़ाते जाना है तो ये चीज है नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टू ऑफ कप से फ्रेंडलीनेस है एक ऐसी एलर्जी है कि दोस्ती जो है वो इतनी गहरी है कि आपको खुद भी याद नहीं रहेगा कि कितने साल आपके हो गए एक दूसरे के साथ और फिर भी जो है मन नहीं भरा या बोरियत नहीं लगी ज्यादातर तो लोगों के मन में या मैरिज में यह भी हो जाता है कि वो बोरिंग महसूस करने लग जाते हैं क्योंकि उनकी लाइफ या रूटीन जो है वो ऑलमोस्ट सेम सी हो जाती है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है वो वही चार जो दस साल पुराना था वो चीज़ बाद बीस साल बाद भी रहेगी तो इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे तो टाइम जो है वो या इयर्स जो है वो मैटर नहीं करते वो लव जो है वो बहुत ज्यादा सिक्योर है और हर तरीके से ऐसे है नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फ्लावरिंग आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया तो आपको ये अपनी वाइफ में वाइफ के हस, आ, प्रस्पेक्टिव से ज्यादा कह रही है तो स्पाउस मटेरियल है वो आप और आपके लिए जो है बैंगल्स लेकर आना या आपके ऊपर जो भी चीजें अच्छी लगती है चाहे वो ब्यूटी की तरीके से हो चाहे वो मेकअप की तरीके से हो तो वो जो है आपके लिए क्रिएट करना या रेनबो के तरीके से क्रिएट करना रेनबो जो है इंद्रधनुष जो है वो हमें खुशी देता है यूजुअली सभी लोगों को अच्छा लगता है कि इंद्रधनुष दिख जाए तो वो चीज जो है वो आपको अपनी जिंदगी में लाकर महसूस करेंगे तो यहाँ पे एक वो एक गाना है जगजीत सिंह का गाना है तेरे आने की जब खबर महके ऐसा कुछ गाना है बहुत उसी तरीके की इंटेंस फीलिंग्स जो है वो यहाँ पर फील करेंगे तो यहाँ पे जो लव है या रोमांस जो है वो यहाँ पे इसी तरीके का एक्शन में और रोमांस में बहुत ज्यादा मतलब फीलिंग्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ पे दोनों ही तरीके से आपको दिखेगा कि इनका लव किस तरीके का है और आप भी महकोगे और वो भी जो है महकेंगे तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स यहाँ पे पीसफुलनेस रहेगी और शांति रहेगी जो मतलब इतनी ज़्यादा आप लोगों तो की अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि आपने अगर कहा है कि ये तुम पे ज़्यादा शर्ट अच्छी लगती है तो ये पहन लो वो फ़ौरन पहन लेंगे तो बड़ा मतलब बहुत प्यारी सी एनर्जी है और ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ज़बरदस्ती आप ये नहीं कह रहे हो कि ज़बरदस्ती पहनना है कोई एग्रेसिवनेस नहीं है बस इतना सा आप कहोगे कि ये तुम पे ज़्यादा अच्छी लग रही है तो तुम पहन के दिखाओ और वो फौरन पहन लेंगे तो उनका ऐसा नेचर नहीं होगा कि मैं पहनूंगा मेरी किस्मत है या मेरा जो है फ्रीडम है तुम कौन होती हो बोलने वाले ये सब नहीं है

नेक्स्ट आ रहा है स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स तो जो है बाहर घर से बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे ज़रूरी नहीं है कि खर्चा करो एक होता है ख़र्चा करना बाहर और एक होता है ना खर्चा करना लेकिन टाइम स्पेंड करना बातचीत करना और एक डीप कॉन्वर्जेसन करना तो यहाँ पे डीप कॉन्वर्जेसन है नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्थ तो फाइनेंशियल हेल्थ जो है वो एक दूसरे की रखोगे और ध्यान रखोगे कि चीज़ें क्या सही है क्या गलत है और जिस तरीके से केयर करनी चाहिए वो चीज़ है यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे इनर पीस तो आपके मन में शांति रहेगी कलह नहीं है परेशानी नहीं है खुशियाँ रहेंगी और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए प्रोटेक्शन तो आपको प्रोटेक्ट करना पसंद करेंगे और आप भी उन्हें प्रोटेक्ट करोगे और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सोलमेट तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है तो आप दोनों ही सोलमेट रहोगे और एक दूसरे को डीपली जो है वो एनकरेज भी करोगे ग्रो भी करोगे एक दूसरे के साथ और हमेशा साथ देने की पूरी पूरी कोशिश करो। आपको मेरा कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू